आश्चर्य चारुचर्या जननयन मनो मोहनीया विचाररत्न निकरान आनीय कामिनी प्रभु इंद्रानंदव्रतेन कष्टदुःखं सर्वात्मना संश्रये। गीता में भक्ति के कई प्रसंग हैं और वो भिन्न भिन्न प्रकार से। एक भक्ति है स्वकर्मणा तमभ्यर्चे अशुभ, आपका जो अपना कर्म है, यहां कर्म शब्द के साथ स्व लग जाने से उसका अर्थ धर्म हो जाए, तो कर्म सामान्य नहीं रहेगा। वो अपना काम जो आप करते हैं, माने आपके अधिकार के अनुसार जो गुरुत है, तो उस कर्म को किस लिए करें? बोले कि स्वकर्मणा तमभ्यर्चे, अपने कर्म को तो करो परंतु अपने सुख स्वार्थ के लिए मत करो, अपने भोग के लिए मत करो, अपने कर्म से उस परमात्मा की अभ्यर्चा करो, अभिमुख होकर के पूजा करो। माने ये हमारा कर्म जो है वो भगवान के लिए है। यज्जत कर्म करो मित्र तदकिलम संभो तवाराधना, हे प्रभु इस कर्म के द्वारा आपकी आराधना संपन्न हो। वो भगवान कहाँ मिलेंगे कि हम उनके सामने पहुंच, मिलने चाहिए ना, दिख जाए कि संध्यावन सूर्य सूर्य के रूप में भगवान पूर्व से आते हैं और उनके सामने होकर संध्या वंदन करते हैं। मुसलमान लोग जो हैं वो समझते हैं कि मक्का मदीना में है तो पश्चिम की ओर अभिमुख होकर के नमाज पढ़ते हैं, तो मालूम तो पड़े कि हमारे भगवान कहाँ हैं कि हम उनकी ओर अपना मुंह कर लें। बोले भाई हमारे भगवान न पूरब है न पश्चिम, वो पूरब भी है पश्चिम भी है परंतु वो सब जगह है। तो यत प्रवृत्ति भूता नाम जेन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्चय, जिससे सबकी प्रवृत्ति होती है। माने एक बीज अंकुर के रूप में फूट कर वृक्ष बनता है, तो उसके भीतर वो क्या चीज है कि बीज फूट के अंकुर बनता है? तो बीज में अंकुरोन्मुख प्रवृत्ति का उदय कहां से हुआ? अरे वही है, अच्छा बालक पैदा हुआ तो दूध पीने में उसकी प्रवृत्ति हुई, तो कहां से हुआ, कहां से प्रवृत्ति हुई? वो हमने गांव में देखा है, ये जो कुतिया जाते हैं उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी आंख बिल्कुल नहीं होती है, आंख के शुरू में आंख खुलती नहीं है, तो कुतिया लेट जाती है और वो उसके पेट पर अपना मुंह घुमाते हैं, घुमाते घुमाते स्तन उनके मुंह में आ जाता है और वो दूध पीने लग जाते हैं। तो ये शिक्षा बताओ उस कुतिया के बच्चे को किसने दी? अच्छा तो चिड़िया को किसने सिखाया कि तुम चारा लेकर अपने बच्चे के मुंह में डालो?
तो जितनी प्रवृत्ति सृष्टि में होती है चराचर जगत की, चराचर उसका जो प्रवर्तक है यत प्रवृत्ति होता नाम निमित्त का नाम है, और येन सर्वमिदं ततम, जैसे कपड़े में सूत वैसे जो संपूर्ण विश्व सृष्टि में व्याप्त है, तो क्या हो गया कि अभिन्न निमित्तो उपादान का अंतर्यामी रूप से हुआ प्रवर्तक और वही उपादान के रूप में हुआ सर्व, सर्वम समापनोसी ततोसी सर्व, तो वही सर्व भी है और वही सर्व प्रेरक भी है, कुम्हार भी वही है माटी भी वही है, ऐसा दृष्टांत सृष्टि में और कोई नहीं है। वो तो कहो कि मकड़ी जाले का दृष्टांत है, वही जाला बनती है और वही जाला बनाती है, क्या नहीं वो जो जाला है उसका उपादान मकड़ी नहीं है पंचभूत है, वो तो निमित्त कारण ही है, कुम्हार निमित्त कारण है, माटी उपादान कारण है घड़ा बनाने में, तो ये जो विश्व सृष्टि है उसको बनाने वाला भी वही है और बनने वाला भी वही है, इसलिए जो कुछ क्रिया हो रही है सो सब उसकी है, और जो कुछ हो रहा है पदार्थ के रूप में वो भी वही है, तो अभिमुक्त होना तो बड़ा सरल हो गया, जहां देखता हूं वहां तू ही तू है। अब पूजा ने बताया कि पूजा के लिए चाहिए क्या, बोले जिसको वेद पढ़ने का अधिकार है वेद प्राप्त है वो वेद के द्वारा आराधना करे, और जिसको व्यापार प्राप्त है वो व्यापार के द्वारा आराधना करे, सारे कर्म भगवान की पूजा के लिए सर्वात्मा भगवान के अभिमुख होकर के बस उसकी पूजा करने के लिए है, इससे सिद्धि माने अंतःकरण शुद्ध हो, सिद्ध में राग द्वेष नहीं रहेगा, जब सर्व का अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा को देखेगा तो राग द्वेष नहीं रहेगा, तो नित्यंच समचित तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु नई चानन्य योगे न भक्ति रव्य विचारण, ये हो गया। अन्य देव है ही नहीं इसमें, क्योंकि जब परमेश्वर से अन्य कोई हो तो ऐसा परमेश्वर किसी दूसरे मजहब में है नहीं, अमृतं चैव मृत्युश्च सदसत् चाहम अर्जुन सदसत् तत्परञ्जात, सत भी वही असत भी वही उनसे परे भी वही, सत भी वही असत भी वही, और न सत तन्नास दुच्यते, सत असत के रूप में उसका निर्वचन नहीं हो सकता। परमात्मा का ये अद्भुत रूप आश्चर्य आश्चर्यवत प्रसिद्ध कष्ट देना, ये आश्चर्यमय रूप हमारी वैदिक संपदा है, वैदिक संपदा इसको बोलते हैं, ये वैदिक संपदा है, और ये देखो राम तो वो देखो राम राम ही राम, ऐसा ये भगवान करे। अब तो जो तुम्हारे सामने आवे की पूजा करो, एक भक्ति ये है, अब दूसरी देखो गीता में क्या भक्ति है, सततम कीर्तयन को माम यतंतश्च गृहव्रता नमस्यंतश्च माम भक्त्या नित्य गुप्ता उपासते, हर समय भगवान के सामने बैठो उपासते, भगवान के पास बैठो, दरबार में भी जो तुम्हारी कुर्सी लगे वो भगवान से दूर नहीं हो, बिल्कुल पास के पार्षद हो, ये कैसे होगा, तो सततम कीर्तन तो वहां, ये देखो बहुत सरल भक्ति है, कीर्तन करो जीव से वाणी से कीर्तन करो, सततम माने ऐसा नियम करो कि किसी दिन छूटने न पावे, और खुश हो होके करो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने सततम शब्द का अर्थ किया है
खत्म भीणाधिकम गाद्यम। खत माने ये जो तार से बजते हैं ना तंत्री, वीणा सितार, तार से जो बजते हैं उन बाजों का नाम है तत। सततम माने बड़े मधुर स्वर में, और गाजे बाजे के साथ भगवान का कीर्तन करो तो वाणी लग गई। ये भी स्वकर्म ही है, वाणी तो कर्म है। हाथ से काम करने से भगवान प्रसन्न होते हैं तो जीभ से काम करने पर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, ऐसा सोचने का तो कोई कारण ही नहीं है। सततम कीर्तयन्तो माम कीर्तसन शब्द ने, कीर्त धातु का अर्थ है फली भांति, और सततम माने प्रवाह टूटने न पावे। कीर्तन पर यतंतश्च दृढ़व्रताः, और अपने व्रत में दृढ़ रख करके आशिष्ठो युवा, आशिष्ठो अधिष्ठा बलिष्ठा, अपने व्रत में दृढ़ रहना। जहां ये व्रत लिया कि हम भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, हम सब में भगवान को देखेंगे, पूजा करेंगे, तो इसके लिए पहले थोड़ा प्रयत्न ही करना पड़ता। जो लोग ये जैसे भक्ति की बात है ना, लोग कहते हैं सब भगवान का अनुग्रह, सब भगवान की कृपा, वो तो ठीक है, परंतु कृपा पर विश्वास करना जो है ना वो आत्मधर्म है। तुम विश्वास करोगे तो भगवान की कृपा के दर्शन तुमको जहां तहां होने लगेंगे, और यदि तुम विश्वास ही नहीं करोगे, कम से कम ये तो सोचो कि भगवान एक दिन हमारे घर आएंगे। अब तुम सोचो कि उनको गरज होगी तो आ जाएंगे, हमको विश्वास करने की क्या जरूरत है। तो असल में भगवान तो यही है, अभी है, कुछ हमारे अंदर खामी है जिसके कारण भगवान का दर्शन नहीं होता। तो उनको पहचान लो, उनके सामने हो जाओ। एक थे भक्त, तुमको रात में आया स्वप्न कि भगत जी कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। भगत जी बड़े प्रसन्न हुए, और महाराज जो उनका उनकी बैठक थी उसको लिखवाया, बुतवाया, सजाया, फूल केला माला फल और भी पकवान ने सब सजा के रखे। थोड़ी देर के बाद एक बुढ़ा आया, तब भगत जी थोड़ी दूर से बुखार चढ़ा है, हम तुम्हारे बरामदे में थोड़ी देर लेट जाते हैं। तो बोले भाग भाग भाग, आज हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं, तो ये सब कहां से बदकिस्मत आके हमारे बरामदे में। थोड़ी देर के बाद एक बुढ़ी आई ठंड से छुटते हुए, हमें भीग गई बैठे, निकल गया हमारे घर में भगवान आने वाले हैं। हम महाराज दिन गया रात गई, भगवान तो आए नहीं, नहीं आए। तो फिर भगत जी इंतजार करते करते बैठे बैठे सो नींद आ गई, नींद आ गई। तो फिर स्वप्न आया कि भगत जी मैं तो तुम्हारे घर में भूखा बालक बन के आया है, बुढ़ा बन के आया, ठंड से छिटोती हुई बुढ़िया बन के आया, अब तुमने तो हमको पहचाने ही नहीं, तो अगर तुम पहचानते तो मैं तो तुम्हारे घर में तीन बार आया, तुमने हमको पहचाना नहीं। तो जीव को भी कुछ करना पड़ता, पहचानो बहुत बढ़िया, नहीं तो विश्वास करो। विश्वास तो जीव धर्म है, हो विश्वास ईश्वर धर्म नहीं है। आजकल तो चेला लोग गुरु से कहते हैं महाराज मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। अरे भाई विश्वास करना चेले का धर्म है, गुरु जी का धर्म विश्वास करना नहीं है। उनको तो साक्षात अपरोक्ष है, परमात्मा का दर्शन होता है, तो अपनी ओर से भी कुछ करना पड़ता है। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, अभिमान मत करो। नमस्कार जो है वो प्रभु भाव, नम्र हो जाओ,
झुक जाए और फिर देखो नित्य दिखता, फिर तो जहां तुम रहोगे, जब तुम रहोगे, जो तुम रहोगे, भगवान के साथ मिले रहोगे। एक भक्ति, ये भी भक्ति, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत मिथ्यंत च रमंति च तेषां सतत युक्तानां भजतां त्रिपुरगतं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुदयान्ति ते। चित्त माने मन और बुद्धि दोनों, अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि न स्थिरम। तो मन बुद्धि दोनों को मिलाकर दोनों का उपसंहार चित्त में कर दिया। मैं एवं मन आधत्सो मई बुद्धि निवेश अथ चित्तम समाधातुं। तो चित्त माने जो मन में प्यार है वो भगवान से है, और जो विचार है सो भी भगवान है। थोड़ी देर विचार करो, थोड़ी देर विचार करो। जपश्रांतश्चरे ध्यानम, ध्यान श्रांतश्चरे जपम। जप करते करते थक जाए तो ध्यान करे, ध्यान करते करते थक जाए तो जप करे। ऐसे है स्वाध्याया योगमासी तो योगात स्वाध्याय मामने। एकाग्र ध्यान करो, एकाग्र चित्त से योग हो गया, और जप करो स्वाध्याय दुष्ट गुरु का संप्रयोग, जप करो और जब से योग, योग से जब, स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते। ये विष्णु पुराण में श्लोक है। तो मन भी लगाओ और बुद्धि भी लगाओ। माने प्यार, मन और बुद्धि कोई मूर्त पदार्थ नहीं, ऐसे जैसे फूल लगा देते हैं वैसे मन बुद्धि नहीं लगाए जाएंगे। अरे महाराज हमने अपना मन बुद्धि अर्पित कर दिया, ये कहने से अर्पित नहीं होते। मन में प्यार की जितनी बातें हैं वो सब भगवान के साथ जुड़ जाएं, और मन में जितने विचार आते हैं वो सब भगवान के बारे में हों। और ये नहीं कि जैसे कुछ अक्षत हाथ में लेके कहते हैं कि मैंने ये द्रव्य है अमुक गोत्राय अमुक शर्मणे ब्राह्मण आय तुभ्यमहमिदम् संप्रददे। ऐसे कहने से मन बुद्धि का अर्पण नहीं होता। ये तो भगवान का अभिप्राय ये है कि मणि की पूजा तो तुम करो और उसमें जो आठ भाग सोना निकलता है हमारे पास भेजो। तो मन बुद्धि को तो तुम अपने घर में रखो हैं, लेकिन उस मन में से जो प्यार निकलता है और बुद्धि में से जो विचार निकलता है उसको हमारे पास रोज दिया करो, उसको अपना मत मानो। मच्चित्ता मदगत प्राणा, तुम्हारा प्राण कहाँ बसता है? तो कला अन्न गता प्राण, कलयुग में अन्न में प्राण का निवास है। कला अन्न गता प्राणा। और जब किसी से कोई बहुत प्रेम करता है तो बोलता है कि तुम तो मेरे प्राण हो, माने मेरे जीवन हो। मम जीवन धीमी तुम्हें ही अधीना, मेरा जीवन तुम्हारे अधीन है। तो मदगत प्राण का अर्थ होता है कि भगवान का प्रेम ही, भगवान का स्मरण ही, भगवान का भजन ही अपने अपना जीवन है। उसके बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है। मुख में भरो में चाम, अगर जीभ से भगवान का नाम नहीं निकलता है तो ये जो चाम है उनमें ये तो गंदगी करने वाला है। रसना सातिनी बदन दिल जीव जपन हरि नाम, मुर्दे हो गए बरहाई देते नयने नाम। मोर की पाख में जैसी आंख होती है वैसी आंख है। जो भगवान का स्मरण कराने वाले मूर्ति आदि का दर्शन नहीं करते हैं। लिंगान विष्णो न निरीक्षको ये बरहाई देते नयने, जो भगवान का दर्शन नहीं करते हैं न निरीक्षता, जो निरीक्षण नहीं करते हैं भगवान का, उनकी आंख क्या है? तो वो तो मोर की पाख में जैसे बेकार आंख है।
आंख नहीं है, आंख का चिन्ह है, वो आंख जड़ है। और जो जगह जगह भगवत दर्शन करके भगवत भाव में मदन नहीं होते हैं, मदगत प्राण, अपना जीवन अपना सर्वस्व भगवान ही है। मेरे तो गुरुघर गोपाल दूसरों में कोई, तो बोले ये तो ठीक है, मन बुद्धि से भगवान का प्यार और विचार और जीना वरना भगवान के लिए। बोले आपस में मिले तो कैसे करें, तो बोले दो भयंता परस्परम, जब मिलकर बैठो तो भगवान की चर्चा करो। देखो तो क्रियात्मक भक्ति है, वो करने की भक्ति है, ये केवल मानसिक भाव नहीं है, क्योंकि भक्ति जो है वो देवता है, देवी है, भगवान की प्यारी है, महारानी है, वो वाहन पर चढ़ के आती है वो। और तुम्हारा भाव जो भगवान के पास जाता है वो वाहन पर चढ़ के जाता है, उसके लिए दो फूल चाहिए, उसके लिए तुलसी बल चाहिए, बेलपत्र चाहिए, अक्षर चाहिए। भाव को तुम ऐसे ही जो भेजना चाहते हो भगवान के पास तक, तो तुम्हारे पास रह जाएगा, भगवान के पास नहीं पहुंचेगा। उसमें भाव को शब्द का वाहन दो, शब्द का वाहन दो, वो भी वाहन है, स्पर्श का वाहन दो, रूप का वाहन दो, रस का वाहन दो, गंध का वाहन दो, लेकिन भाव बिना वस्तु के और बिना क्रिया के भाव में गति उत्पन्न नहीं होते। ये पूजा की जरूरत है, तो बोल के एक दूसरे को समझाओ, दो भयंता परस्परम, उसमें गुरु बनने की जरूरत नहीं है, और तुम उसको समझाओ वो तुमको समझावे, दो भयंता परस्परम, जैसे हो वैसे भगवान के बारे में अपना विचार लगे। दो भयंता परस्परम, अब मान लो सामने वाला समझा नहीं सकता हो तो कथयंत नाम नित्यम, ये मत कहो कि आज का मौसम कैसा है, इधर सर्दी है, ये सब व्यर्थ की बात है। गर्मी सर्दी है तो दोनों को ही मालूम है, बात करने की क्या जरूरत है। वही आज कलयुग है, अरे हमको भी मालूम है कि कलयुग है, तुमको भी मालूम है, बताने की क्या जरूरत है। तो बोले कि कहो तो भगवान को कहो, बात करो तो भगवान को करो। तो असल में हृदय में जितने भी भाव हैं वो कहीं न कहीं से लाए जाते हैं, वो उनके लिए कोई निमित्त चाहिए। जो पूर्व जो पूर्व जन्म के लाए हुए, इस जन्म के लाए हुए पहले से भाव हैं वो तो भीतर से बाहर निकलते हैं, और जो नए भाव जोड़ने हैं उनको बाहर से निमित्त द्वारा और किसी निमित्त से उनको भीतर भेजना पड़ता है। यही कर्म ज्ञान भीतर जो अपने अच्छे अच्छे भाव भरे हैं उनको वाणी से निकालो, और जो भाव नहीं है का उनको बाहर से भरो। निर्गुण ब्रह्म में कोई भाव न पहले का भरा हुआ है न अब का भरा हुआ है। अंतकरण की शुद्धि के लिए जो तुम्हारे अंदर अच्छे भाव हैं उनको अभिव्यक्ति में प्रकट करो, और बाहर के निमित्त से सुन के सुना के कहोगे तो वो जागेंगे, और सुनोगे तो वो भरेंगे। इसलिए अच्छे भाव भरने के लिए सुनो, और सोते हुए जो जन्म जन्मांतर के भाव है उनको जगाने के लिए बोलो, नित्यम तुष्यंति च रमंति च, इसका नाम भक्ति है, तुष्यंति च रमंति च। तुम्हें धन पाने पर संतोष होता है और स्त्री पुरुष के सहवास में तुम्हारा रमण होता है, बोले नहीं, हमारी संतुष्टि है भगवान के चिंतन में, भगवान के लिए जीने में, भगवान को समझने समझाने में, भगवान के लिए बोलने में, यहाँ हमारी तुष्टि है, तुष्यंति च, और उसी में रम जाते हैं, रम जाते हैं माने और जगह मजा नहीं आता है। एक हमारे महात्मा कहते थे ये रमंती नहीं है,
तब क्या है, रमंती के बाद तो च पहले भी है, तो रमंती के बाद पहले भी च और बाद में भी च, इसकी क्या जरूरत है। तो वो तो ठीक है, रमंती च ऐसे बोलो, बारंबार उसमें रमते हैं, परंतु क्रियापद होता है रमंते, रमंती तो होता ही नहीं है। और किसी ने व्याकरण लगाया, ये क्या कृष्ण ने अशुद्ध बोल दिया, अशुद्ध नहीं बोल दिया, लोग शुद्ध करते व्याकरण से चरमंती, चरमान अवस्था अनुभवंती चरमंती, वो चरमावस्थाम प्राप्त भवंती चरमंती, चरम अवस्था में पहुंच जाते हैं। नहीं तो ऐसे ही कहो पुनः पुनः च माने पुनः, च जो है वो बाहुल्य का द्योतक है, तुष्यंती च रमंती च, रमंती च तुष्यंती च, रमते हैं और संतो देशाम सतत युक्ता नाम भगता प्रीति पूर्वकम, भजन करो प्रेम से, भजन करो ये भक्ति है, सेवा करो परंतु प्रेम से सेवा करो, ये कोई एक भक्ति है। परंतु आप देखोगे ऐसी बढ़िया बढ़िया भक्ति की बात जो है ना गीता में, ये तो भगवान के साथ जोड़ देने वाला शास्त्र है। इसीलिए जो विनाम अपनी सर्वेशां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम समय युक्त तमो मत, सब योगियों से बड़ा है, कर्म योगी से बड़ा है, ज्ञान योगी से बड़ा है, सब योगियों से बड़ा योगी कौन है, हृदय में श्रद्धा रख करके जो हमारा भजन करता है। अब देखो एक भक्त वो है जो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते वराम भक्त्या माम अभिजानाति, तो भक्त्या माम अभिजानाति, वहां भी पहले समता है और पीछे भगवान की भक्ति है। देखो समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते वराम, अब यहां देखो सुख दुख समह निर्ममो निरहंकार समदुख सुख शमी, ये भगवान का भक्त है। बारहवें अध्याय जो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति सर्वारंभ परित्यागी, जो मद भक्त समय प्रिय अनपेक्षा सुचर पक्ष उदासीनो गतव्य सर्वारंभ परित्यागी, जो मद भक्त समय प्रिय जो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति सुभाशुभ परित्यागी, जो मद भक्त समय प्रिय समता चाहिए, नित्यंच समचित्तत्व, अपने चित्त को विषम मत होने दो। एक भक्त बोलते थे कि देखो भगवान जो है वो जरा टेढ़े मेढ़े हैं, खास करके वृंदावन के जो भगवान हैं वो तो बाके हैं, बाके बिहारी टेढ़े चलते हैं, वो उनका पांव के दर तो कमर के दर है, तो हाथ के दर तो टुब्बी के दर सिर के दर बड़े बांके हैं, तो जब भी उनको अपने चित्त में अटकाना हो तो अपने हृदय को सम बना दो, तो सम बस जगह में जब टेढ़ी वस्तु आवेगी तो बिल्कुल अटक जाएगी, है ना। टेढ़ी चीज अगर समान वस्तु में टेढ़ी चीज डाल दी जाए तो अटक जाएगी, तो उसको तो टेढ़ी मेरी जगह चाहिए, और यहां तो टेढ़ी मेरी नहीं है। तो रामचंद्र के हाथ में जो धनुष है ना, धनुष है टेढ़ा और बाण है सीधा, पूरे टेढ़े सीधे धुन को मेरे हाथ में बात, मेरे हाथ में चाहे कोई टेढ़ा हो चाहे कोई सीधा हो सबका निर्वाह हो जाता है, भगवान सबको निभा देते हैं। पर यह है कि यदि तुम्हारा मन दुनिया में लगा रहेगा, इष्ट अनिष्ट का चिंतन करेगा, तो भगवान की भक्ति नहीं हो पाएगी। तुम दूसरे को बुरा देख करके अपने दिल को बुरा बना लेते,
और जब बुरे को अपने दिल में ला के बसाया, तुम्हारे भक्त कहते हैं कि जिस आदमी को तुम अपने गांव में नहीं रहने देना चाहते हो, ये चोर है, गुंडा है, बदमाश है, जब उसका चिंतन तुम करने लगते हो तो वो गांव में से तुम भले निकाल दो, तुम्हारे हृदय के भीतर आकर के बस गया। निश्चितेजा परस्थिति स्वस्मिन ग्राह्य कथम हो गई, उसको तुम जिसका चिंतन करोगे वो तुम्हारे हृदय में आकर के बस जाए। तो बुरे भले का चिंतन मत करो, जो होता है सो होने दो। मई चान अन्य योगी न भक्ति रव्य विचारिणी, किसी संसारी को देख के खुश मत हो जाओ, किसी से द्वेष मत करो। ये भक्त जो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, मर गया अब छोड़ो, मतलब लोग को देखने की क्या जरूरत है, अभी नहीं आया है, अरे भाई जब आना होगा आ जाएगा, आकांक्षा करने की क्या जरूरत है। वर्तमान में जो न हृष्यति न द्वेष्टि, वर्तमान में चाहे अच्छा बुरा सामने हो न उससे हर्ष और न उससे द्वेष, और भूत के लिए न सो न भविष्य के लिए आकांक्षा, और कर्म जो होते हैं सो बोले बाबा भगवान को अर्पित करते चलो। शुभाशुभ परित्यागी का अर्थ सांख्य सिद्धांत में होता है कि ये प्रकृति के हैं, ना हम में ये शुभ और अशुभ में मैं हूं, मेरे हैं, केवल छोड़ दिया। और भगवत भक्ति में उनको भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। यत करोमि यद अश्नामि शुभाशुभ फलैरेवम् तत् करोमि त्वदर्पणम् शुभाशुभ फलैरेवम्, भगवान को अर्पित कर दिया। तो भक्त का ये लक्षण है, जो मद भक्त समय प्रिय, इसमें भगवान अपनी समता बताते हैं, हो तुम दो अपनी भक्ति हमको और हम देते हैं अपनी प्रियता तुमको, है तुम अपने हृदय की भक्ति मेरी एक अकेले प्यार से किसका दो, तुम अपने हृदय की भक्ति प्यार से मेरी एक किसका दो, और मैं जो अपनी प्रियता है अपनी तृप्ति है, प्रियता में तृप्ति होती है, भक्ति सेवा प्रदान होती है और प्रियता तृप्ति प्रदान होती है। तो हमारे अंदर जो तृप्ति है, भगवत गत जो आनंद है, भगवत रस है, वो मैं तुमको देता हूं। प्रयते इति प्रियः, प्रीणाति इति प्रियः, तो तुम हमारे प्यारे हो। प्रियते इति प्रियः, तो तुम अपना प्रेम हमको दो और हम अपना प्रेम तुमको देते हैं। तुम अपनी प्रीति पूर्वक भक्ति सेवा हमको दो और हम अपनी सारी तृप्ति, हमारा जो आनंद है वो तुम्हारा आनंद। तुम अपना मन दो हमको और हमारा सच्चिदानंद तुम दो, जो मदगत समय प्रिया। तो यहां मैं गीता में भक्ति के अनेक रूप, उसमें से एक रूप ये, एक रूप तो सांख्य योग का है, मांस योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, और 13वें अध्याय में मई चारण्य योगेन भक्ति रव्य विचारिणी।